हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना शीन हॉल और आई एम सो एक्साइटेड। इसलिए एक्साइटेड क्योंकि ये जो क्लोथिंग हॉल्स होते हैं ये मेरे चैनल के ऊपर रैंडमली यू नो कभी कभी आ जाते हैं, तो लेकिन जब भी मैं इनको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, यू नो कुछ डिफरेंट वीडियो यार करने को मिल जाती है। तो यप, मैंने शीन हॉल किया था आई गेस नवंबर में, उसके बाद मैंने किया नहीं, उन्होंने बीच में मुझे अप्रोच किया था शीन वालों ने दोबारा, बट मैं थोड़ा सा मुझे जॉन्डिस वगैरह हो गया था ना, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई एंड मैं लेट हो गई, तो मेरा वो वाला चांस मिस हो गया। तो दिस टाइम उन्होंने मुझे फिर से अप्रोच किया शीन वालों ने, आप देख सकते हो। एंड ये मैंने खुद नहीं खरीदा, मुझे शीन की तरफ से मेल आई थी कि आप 4 क्लोथिंग आइटम चूज कर सकते हो, तो मैंने 4 क्लोथिंग आइटम चूज की। कुछ भी ऐसा उन्होंने यू नो प्राइस वगैरह नहीं सेट किया होता, जस्ट उन्होंने लिखा होता है 4 क्लोथिंग आइटम आपने चूज करनी है। एंड या वन मोर थिंग, इस हॉल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी अपने लाइव वीडियो में, एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे अपने सजेशंस तक दिए थे, क्योंकि मैं उनको कह रही थी डियर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूं मैं शीन से कौन से कपड़े मंगवाऊं, तो मुझे काफी सारी लड़कियों ने यार सजेशंस दिए, तो उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि लाइव वीडियो में जस्ट रैंडमली अपनी बातें कर रही थी एंड जैसे ही लाइव वीडियो खत्म हुई मुझे कितने सारे मैसेजेस आ गए इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे ईमेल तक आ गया था कि दी आप ये वाला ले लो। तो डेफिनेटली मैंने सबकी चॉइस को देखा और फाइनली मैंने 3-4 कपड़े चूज किए, तो आई होप आप लोगों को पसंद। मैं अपना शीन हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले एक बात है जो आप लोगों के साथ मेंशन कर दूं। पहले ही आपको सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड एक और चीज है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हो और अगर आप मेरा प्रोवाइडेड अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा जब आप 2000 रुपीज की शॉपिंग करोगे, 2000 की शॉपिंग करोगे 200 रुपीज आपको ऑफ मिलेगा। मेरा वाला कोड आप अप्लाई कर लेना, आपको स्क्रीन के ऊपर कोड दिख रहा होगा। एंड जो आपका रीजन है ना, प्लेस है आपकी, वो आप कंट्री को आप अपना इंडिया कर लेना पहले, उसके बाद ही आपका ये कोड वगैरह अप्लाई होगा। तो चलो मैं अपना हॉल स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो डियर आप ये देख सकते हो जो मैंने ये स्वेटर डालो, एंड या इस समय जो मैंने कपड़े मंगवाए हैं ना, थोड़ा सा अब तो ये ठंड रह नहीं गई इतनी ज्यादा, वैसे तो लुधियाना में वापस आ गई ठंड, ऐसी तो कोई बात नहीं, बारिश वगैरह हो रही थी 3 दिन से, बट स्टिल इतनी मैंने ठंड वाले वैसे वाले कपड़े नहीं मंगवाए कि मोटे मोटे वाले हो जाए या मोटी जैकेट्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि एक महीने की ठंड है, बाद में तो यू नो संभालने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा वैसे वाले मौसम के लिए मंगवा लिया, बिल्कुल गर्मियां नहीं बट जैसे गर्मियां स्टार्ट होती है ना वैसे वाले मौसम के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो ये स्वेटर है, लेकिन ये ना मतलब अच्छा वाला स्वेटर है, इतनी मोटा वाला कोई जैकेट नहीं मंगवाई मैंने, बट आई लव द स्वेटर, इसका जो फिनिशिंग है, इसके साथ मैं ऑलरेडी 2 वीडियो से बैक टू बैक शूट कर चुकी हूँ, मैंने अपना एक मेकअप पाउच की वीडियो शेयर की थी और मैंने अपना एक हॉल वो शेयर किया था व्हाट्स इन माय बैग, तो दोनों वीडियोस में मैंने यही वाला स्वेटर डाला था, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। थोड़ा वैसे तो अभी मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा नजदीक से दिखा दूं मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, आई गेस आई एम नॉट श्योर आपको इसमें शायद कलर्स मिल जाएंगे, बट मेरा पर्सनली ना 4 क्लोथिंग आइटम चूज करने, तो उनमें से एक तो मैंने येलो चूज करना ही करना था, मतलब मुझे नहीं पता मैंने बस एक येलो डालना था, मुझे इधर येलो से इतना प्यार हो गया, आई हैव नो आइडिया क्यों, बट येलो मुझे लगता है जैसे मेरे पे ठीक लगता है, पता नहीं, बताना आप लोग। तो ये है एक स्वेटर, देख सकते हो आप, अभी आपको थोड़ा सा डाल के भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा वाला स्वेटर है, मैंने अभी तक जस्ट एक स्वेटर डाला और मुझे एकदम ठंड नहीं लग रही है, एंड फिनिशिंग इज सो गुड, देख सकते हो आप, और साथ में आपको ये नेक पे ना बो मिल जाएगा, ये इसी के साथ दिया हुआ था, इसका नेक आपकी नेक की शेप देख सकते हो आप, ठीक है, और साथ में आपको ये बो मिल जाएगा, छोटा सा रिबन मिल जाएगा लंबा सा, जिसको आप बो की तरह टाई कर सकते हो, कि कौन सा इसको मैं बोलूँ आपको, सैटिन में आपको ये वाला मिल जाएगा, शाइन करता है, बहुत प्यारा लगता है। बाकी का जितना स्वेटर है बिल्कुल प्लेन येलो है, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मेरे पास ना कुछ बो वाला नहीं था, तो मेरा मन था चलो मैं कुछ इसको ट्राई करती हूँ, और येलो कलर में मुझे चाहिए था। साइज जो भी होगी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, साइज वैसे भी यार शीन की साइट पे ऊपर ना आपको साइज चार्ट मिल जाएगा, तो आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करके ही आप उनको यू नो कार्ट में रखा करो, उनके अकॉर्डिंग ही आप मंगवाया करो। प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताऊं, ये है एक जैकेट,
डेनिम जैकेट मैंने मंगवाई है, मेरे पास डेनिम की जैकेट कोई भी नहीं थी। एंड डेनिम की जैकेट आजकल इन ट्रेंड चल रही है, आप सब जानते हो, अगर आप पिंटरेस्ट वगैरह पे देखोगे तो काफ़ी सारी आपको पिक्स मिल जाएंगी। नो डेनिम की जैकेट काफ़ी इन ट्रेंड चल रही है, प्राइस मुझे किसी का भी नहीं याद है, आप परचेज लिंक्स आपको दिए हुए आप जाके चेकआउट कर लेना। इसमें आपको तीन शेड मिल रहे थे डेनिम की जैकेट में, एक आई गेस इससे थोड़ा सा लाइट था, एक बिल्कुल ही लाइट शेड में था। इसको लेके ना मैं थोड़ा सा पता नहीं आपको अभी मैं डाल के दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताना मेरे ऊपर कैसी लगी। इसका साइज मैंने मंगवाया है स्मॉल साइज मंगवाया, बट स्टिल ये मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ी सी बड़ी सी। बाकी एक और बात बताऊं, जो डेनिम जैकेट्स होती है ना, जितना मैंने देखा है बाकी सारे ब्लॉगर्स को, वो बिल्कुल फिटिंग वाली नहीं डालते, थोड़ी सी ओवर साइज, थोड़ी सी अपने साइज से बड़ी डालते हैं, बट ये स्मॉल साइज ही, छोटा वाला सबसे साइज था, इससे और छोटा साइज था भी नहीं। डिजाइन आप देख सकते हो इसका, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कटआउट से, बट आई डोंट नो मैं इसको कैसे वॉश करूंगी, धीरे धीरे वॉश करूंगी कहीं फटी ना जाए। एंड अदरवाइज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाएगी, ये आपको बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। डेनिम जैकेट नई थी, अच्छी लगती है डेनिम जैकेट, मैं इसके ऊपर भी डाल सकती हूँ। एंड एक और चीज़ है, डेनिम के साथ येलो कलर बहुत प्यारा लगता है, रेड कलर बहुत प्यारा लगता है, ब्लैक कलर बहुत प्यारा लगता है, तो मेरे पास येलो स्वेटर है, ब्लैक स्वेटर है, तो डेफिनेटली मैं इनके साथ ही ना अपने लुक्स को ट्राई करूंगी। और देख सकते हो आप यहाँ पे भी आपको ये मिल जाए, एक छोटा सा आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे फ्रंट पे, मैं ढंग से दिखा नहीं रही एक्चुअली, कहाँ गया मैं घूमूंगी डेनिम की जैकेट में, ठीक है। एक तरफ आपको फ्लैप लगी होगी और एक तरफ आपको फ्लैप नहीं लगी होगी, जस्ट सिंपल होगी, ठीक है। यही है, नीचे आपको ये थोड़ी सी मिल जाए, ये स्लीव्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगी, और बस पीछे आपको कुछ भी नहीं है, पीछे बिल्कुल सेम प्लेन है। मैंने ना ज़्यादा ना स्टोन्स वाले या वो वाली डेनिम जैकेट नहीं मंगवाई, या फिर बोलते हैं ना फ्लावर प्रिंट सा होता है, कढ़ाई की होती है, वो सब नहीं मंगवाया, क्योंकि मुझे था अगर वो एक पॉइंट के बाद जाके मेरा नाम मन करे डालने का, ऐसी जो सिंपल एंड सोबर चीज़ें होती है आप हमेशा डाल सकते हो, ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइनर चीज़ें मंगवा लोगे, हो सकता है एक टाइम के बाद आपका मन ही ना करे डालने का, इसलिए मैं को एक डेनिम जैकेट मंगवा ली। और लेट्स सी, अब ये जो लास्ट के दो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं मैक्सी ड्रेसेस। मेरे पास कोई भी मैक्सी ड्रेस नहीं थी, तो मेरा मन था मैं इनको मंगवाऊं मैक्सी ड्रेस को, फुल स्लीव की है, बाय द वे मैं आपको दिखाना भूलगी। शीन के जितने भी कपड़े आते हैं अलग अलग, लाइक जितने भी कपड़े हों अलग अलग आपको जिप लॉक पैकेट में मिल जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई है, फुल स्लीव की है। स्टफ की अगर मैं बात करूं तो यार कौन सा स्टफ है, वो वाला स्टफ नहीं है, क्योंकि आपको मुझे सबसे ज्यादा टाइम पता है क्या लगता है शीन के कपड़े ढूंढने में, एक तो थोड़े से यू नो कवर्ड या ये सब होने चाहिए जो मैं आराम से कंफर्टेबल हूं जिसको डालने में, ठीक है, ज्यादा ऑफ शोल्डर ना हो या फिर डीप नेक ना हो, थोड़े से वैसे में एक तो आधा टाइम मेरा उसमें चला जाता है, दूसरा आधा टाइम मेरा चला जाता है स्टफ को ढूंढने में, तो डेफिनेटली मेरे कपड़े में आपको अच्छा वाला स्टफ मिलेगा। कुछ भी मैं ऐसा वैसा चूज ही नहीं करती क्योंकि मैं नहीं डाल सकती, ये आपको मिल जाएगी, बिल्कुल नीचे तक जाती है ये, ठीक है। स्लीव्स, फुल स्लीव्स है ये, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग वाली गर्मियां शुरू होंगी ना तो वहां पे आराम से डल जाए, मतलब जैसे ठंड खत्म होगी। एंड वैसे मेरा मैक्सी ड्रेस लेने का मन था, यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा लगता है यार, ये फ्रंट पे ना आके ऐसे हग कर लेगा आपके यू नो इस जगह को, रिस्ट को, तो यहाँ पे ये है दोनों तरफ। और साइज क्या है, साइज एम, यप साइज एम है ये, इसका कमर के पास ना कोई इलास्टिक मिल जाएगा, ये देख सकते हो ये इलास्टिक है कमर के पास, बैक से पूरी प्लेन है, पीछे से पूरी प्लेन है, मैक्सी ड्रेस है तो बिल्कुल मेरे पैरों तक जाती है ये, फ्रंट पे आपको पूरा ऐसा डिजाइन मिल जाएगा, लेट मी शो यू, पूरा नीचे तक आपको ये वाला सेंटर वाला पार्ट जो है ना आपको नीचे तक ये वाला डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। और बस सिंपल है बट मुझे बहुत पसंद आई, स्टफ भी इसका अच्छा है, अच्छा यार मेरे को स्टफ कॉटन बेस्ड स्टफ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो फटाफट से अब आप देखो ये मेरे ऊपर कैसा लगता है।
आई गेस अभी तक आपको थोड़े से मेरे कपड़े अच्छे लग रहे होंगे, मेरी चॉइस। तो लास्ट प्रोडक्ट वो बहुत प्यारा वाला है, मैक्सी ड्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल है। मेरा साइज है इसमें स्मॉल, एंड एक्चुअली मैं इसमें येलो कलर भी ढूंढ रही थी। येलो कलर में क्या चक्कर था कि वो लार्ज साइज में मिल रही थी, फिर मैं एक्चुअली मैंने फिर एट द एंड फिर येलो स्वेटर ले लिया, क्योंकि मैंने बोला था ना मुझे एक तो येलो लेना ही लेना था। तो ये है मैक्सी ड्रेस, बहुत प्यारी सी है यार। फ्रंट पे ना आपको ये मिल जाएगा, ऐसे डोरी मिल जाएगी टाई करने के लिए। कढ़ाई आपको पहले मैं दिखा देती हूँ, देख सकते हो आप। और स्लीव्स दिखाऊं, स्लीव्स इस तरह की स्लीव्स हैं। स्लीव्स के आगे पीछे दोनों तरफ डिजाइन किया हुआ है, और आगे आपको फ्रंट पे इलास्टिक, उप्स, इलास्टिक आपको मिल जाएगा फ्रंट पे। एंड ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, बलून की तरह आता है, थोड़ा सा फ्लफी सा होता है, बट देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी क्या मैं इसकी फिटिंग करवाऊँ या ना करवाऊँ, तो बताना आप लोग अगर मुझे लगेगा ना कि थोड़ी सी इनफिटेड सी लग रही है, मतलब थोड़ी सी। वैसे तो मैक्सी ड्रेसेस ना बिल्कुल फिटिंग वाली नहीं होती है, वो हम गाउन नहीं डाल रहे, गाउन जो होती है वो होती है बिल्कुल फिटिंग वाली, मैक्सी ड्रेसेस थोड़ी सी लूज होती है। तो शायद मैं इसको ना फिट कराऊं, देख लूंगी जैसा मेरा मन करेगा। देख सकते हो स्लीव्स के आगे पीछे आपको ये मिल जाएगा। चलो मैं इसको फ्रंट पे आप देखो डोरी जो आपको दिखाऊं, मैं डोरी बहुत प्यारी दी हुई यार इन्होंने, डोरी आप देखो जैसे ब्रेडिंग नहीं क्योंकि ब्रेड वो किया हुआ है डोरी में, और एंड तक आप देखो ये आपको मिलेगा बहुत सॉफ्ट वाला, अच्छे मटेरियल का आपको ये मिल जाएगा इसकी डोरी। अच्छी लगी मुझे ये नीचे तक। हाँ नीचे में क्या ना इसके डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट, मैं आपको दिखाती हूँ, देख लो आप। इसको ना अलग अलग जॉइन किया हुआ है, एक यहाँ पे आपको जॉइन मिल जाएगा, इलास्टिक अब इसके अंदर नहीं लगाया हुआ इन्होंने, यहाँ पे ना कमर के पास इलास्टिक नहीं है। फिर आपको एक और जॉइन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एक जॉइन, दो जॉइन, थोड़ी सी इसका डिफरेंट सा पैटर्न बनाया हुआ, एक और जॉइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी ना फ्लेयर 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 सी आती है, तो और इसका मुझे कलर बहुत पसंद है। इसमें आपको और भी शेड्स मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो यही था, अब आप इसको देखो कि मैं मेरे ऊपर कैसा लगता है। मेरे चारों के चारों कपड़े देख ली जो मैंने शीन से मंगवाए थे, होप आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड थोड़े से वैसे कपड़े मंगवाए थे जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, अनकंफर्टेबल कपड़े मंगवा लेती, वीडियो में दिखा देती, बाद में ना डालती, उसका कोई फायदा नहीं था, एक्चुअली मैं वीडियो में भी नहीं दिखा पाती फिर। तो होप आप लोगों को पसंद आएगा, एंड प्लीज आप इस वीडियो को यार थोड़ा सा लाइक कर देना एंड शेयर वगैरह जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है मैं आने वाले टाइम पे शीन के हॉल्स और करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि उनका ये होता है कि आपकी वीडियो के इतने अच्छे व्यूज नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनका यही होता है कि आपकी वीडियो को अच्छे व्यूज नहीं मिलते, इसलिए हम जल्दी जल्दी आप लोग आपके साथ शीन हॉल नहीं करते। अगर आप अच्छे व्यूज दोगे, इतनी मेहनत करती हूँ यार, रेगुलर वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, अगर आप अच्छे व्यूज वगैरह दोगे तो ही मैं बैक टू बैक इन्हों शीन हॉल वगैरह कर सकूंगी, कोई भी चीज, कोई भी वीडियो कर सकूंगी जो मुझे अप्रोच करते हैं। नहीं तो फिर उनको होता है ठीक है एक वीडियो कर ली, इसके अच्छे व्यूज नहीं आए, एंड डेफिनेटली इसके साथ और वीडियो नहीं करनी है, यही क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देना यार, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ आप शेयर कर देना। मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब करने वाले हो, आपने रेड बटन को हिट करना है, साथ में आपने टिंग 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 बेल को आपने हिट करना है, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। और बाय द वे मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, एंड रियली सॉरी अगर आपको पीछे से टिप 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 की आवाजें आ रही है, क्योंकि वो पीछे बारिश हो रही है, एंड आई कॉन्ट हेल्प इट, क्योंकि तीन दिन से लुधियाना में बारिश हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही, सुबह रात शाम एनी टाइम बारिश हो रही है, ठीक है। सो प्लीज सॉरी अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हो। तो सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय।